गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक एसलरेशन फ्रॉम लेस एंड मोशन इट इज एसलेशन इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम एसेलरेशन क्या होता है जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में वेरिएशन आता है उसे हम एसलरेशन कहते हैं यानी कि वेलोसिटी जब चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू तो टाइम ठीक है जब भी बेटा वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम एक्सलेशन कहते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए इसको हम किससे डिनोट करते हैं स्मॉल ए से अब एसलरेशन क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करती है एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो सो एसलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये हमें क्या बताती है इट टेल्स मैग्नीटूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज़ें बताती है दैट्स वाई एसलरेशन इज़ ऑल्सो अ वैक्टर क्वान्टिटी अब इसकी एस आई यूनिट क्या होती है तो एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेशन की एस आई यूनिट होती है नाउ वट विल बी द फॉर्म ऑफ एसलरेशन एक्सलेशन हम कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से उससे हम एक्सलरेशन निकालेंगे अब ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी तो अब हमारा एसलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि एज यू ऑल नो फाइनल वेलोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं वी से एंड इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू तो और एसलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से तो हमारा फॉर्मूला बन गया ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एसलरेशन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कट नहीं हो रही थी वो लाइन नीचे है गलती से ऊपर हो गई है नाओ बेटा यहाँ पे हमें एक चीज और नोट करनी है कि एसलरीशन कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी ज़ीरो एसलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है कैसे देखो चेंज इन वेलोसिटी जब होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी सिर्फ इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी अगर कम भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है तो इस दैट ऑल्सो मीन चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी में वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में उस एसलरेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव एसलरेशन कैसे आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल सपोज एक कार की वेलोसिटी है जो फोर किलोमीटर पर आर से चल रही है ठीक है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई फोर किलोमीटर पर आवर और बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है वो टेन किलोमीटर पर आर हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है इनिशियल वेलोसिटी फोर किलोमीटर पर आर थी और फाइनल हो गई टेन किलोमीटर पर आर दैट मीन वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग सो ये क्या हो गई पॉजिटिव एसलरेशन हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पर वी क्या हो गया वी ज़्यादा हो गया और यू क्या है कम है तो वी माइनस यू अपॉन टी करेंगे तो एसलरेशन हमारा किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा तो एक्सलेशन क्या हो गया हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया अब हम अगर नेगेटिव की बात करें तो अगेन एक कार की वेलोसिटी है फ़ोर किलोमीटर पर आर और उसमें ब्रेक अप्लाई किए तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो यहाँ पे क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी हमारी फ़ोर किलोमीटर पर आर थी और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई ज़ीरो हो गई तो यू हमारा क्या है u हमारा ज़्यादा हो गया v से तो अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे a क्वस्ट टू वी माइनस यू पॉइंट तो हमारा एसलरेशन नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पे क्या हो गया एसेलरेशन हमारा नेगेटिव हो गया अब नेगेटिव एसलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं या डी एसलरेशन भी कह सकते हैं तो इन दोनों तीनों वर्ड से हम इसको डिनोट कर सकते हैं ना अब जीरो एसेलरेशन कब होता है वेन देयर इज नो चेंज इन वेलासिटी जब इनिशियल वेलॉसिटी और फाइनल वेलासिटी क्या है सेम है सपोज एक कार टेन किलोमीटर मीटर पर आर से चल रही है और आगे भी वो टेन किलोमीटर पर आर तक चल रही है अपने डेस्टिनेशन तक जब वो पहुंची तो सेम वेलोसिटी से चली तो यहां पे क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है सो v माइनस यू विल बी ज़ीरो तो a हमारा किस में आएगा ज़ीरो तो यहां पे एसलेशन क्या हो गया हमारा ज़ीरो एसलेशन हो गया

ठीक है यूनिफॉर्म रेट से अगर वो इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन डैट एसलरेशन इज़ यूनिफॉर्म एसलरेशन इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज़ एक कार है जो एक घंटे में फ़ाइव किलोमीटर चलती है ठीक है और यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई फाइव किलोमीटर पर आर फिर नेक्स्ट अनदर आर में भी वो कितना चलती है टेन किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से चल रही है फिर नेक्स्ट वन आर में फिर वो कितने उसमें चल रही है फ़िफ्टीन किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से चल रही है तो आप देख रहे हैं कितना वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन फाइव किलोमीटर पर आर फाइव किलोमीटर पर आर की रेट से इंक्रीज़ हो रही है तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म एसलरेशन क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ हो रही है क्लियर ऐसी एक अनदर एग्जांपल है द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो जब कोई चीज़ कोई एप्पल है वो नीचे गिरता है तो वो भी क्या है यूनिफॉर्म एसलरेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि क्या होगा कि उसकी जब वेलोस जब वो एप्पल नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी क्योंकि जितना वो पास आता रहेगा अर्थ का तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता रहेगा और वो उसको क्या करेगा ग्रेविटेशन फोर्स उसको खी, अपनी तरफ खींचेगा तो दैट इज ऑल्सो आ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एप्पल नीचे आएगा क्लियर नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन में क्या होगा बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एसलेशन इफ इट्स वेलोसिटी इनक्रीजेज बाई अनक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर वेलासिटी बढ़ रही है लेकिन अन एकक्वल अमाउंट से बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एसलरेशन यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज एक कार ट्वेंटी किलोमीटर पर आर से चल रही है उसकी वेलासिटी ट्वेंटी किलोमीटर पर आर है एक घंटे में और नेक्स्ट घंटे में फिर थर्टी किलोमीटर पर आर हो गई उसकी वेलोसिटी फिर अनदर आर में 45 फ़ाइव किलोमीटर पर आर हो गई तो यहाँ पे भी बेटा वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन आप देखोगे वो अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही पहले में टेन ट्वेंटी से थर्टी टेन का डिफरेंस हुआ फिर थर्टी से 45 फाइव फिफ्टीन का डिफरेंस हो गया सो अन अमाउंट में इंक्रीज़ हो रही है तो ये हो गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म एसलरीशन ठीक है जैसे कोई कार अगर क्राउडेड सिटी में जाए तो वहाँ पे क्या होगा उसकी वेलोसिटी अन एकवल अमाउंट में वो चेंज होगी तो उसको हम क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन नाउ रिटार्डेशन ये मैंने आपको बता दिया है कि नेगेटिव एसेलरेशन को हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन कहते हैं यानी कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एसलरेशन और अगर डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एसलरेशन भी कह सकते हैं और वी कैन से डी एसलेशन इसका एग्जांपल है कि हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल अ ट्रेन इज रिटार्डेड व्हेन इट स्लोज डाउन ऑन अप्रोचिंग अ स्टेशन आपने देखा होगा जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आती है वो धीरे धीरे क्या होती है उसकी वलॉसिटी कम होने लगती है डिक्रीज होने लगती है तो वी कैन से ट्रेन इज रिटार्डेड तो ये किसका एग्जाम्पल है रिटार्डेशन का